नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। एक दीप मेरा, एक दीप तेरा और लो मिट गया अंधेरा। जी हां, ज्योतिपर्व दीपावली पर दीयों से जहां धरती रोशन हो उठी तो वहीं आतिशबाजी से गगन। हर्षोल्लास के बीच आकाश में तारों से भी खूबसूरत नजारे नजर आते रहे। धरती पर झुकनियों की तरह दीपक जगमगाते रहे और घरों पर रोशनी के रूप में, लहरों के रूप में झालरें लहराती रहीं। अहले सुबह से ही लोग पर्व की तैयारियों में जुटे रहे। घर के बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ की कमान संभालते नजर आए तो बच्चे मोमबत्तियां झालरों को सजाते हुए पटाखों को व्यवस्थित करने में जुटे दिखे। संध्या के समय जब सूरज झपकी लेने लगा, अंधेरा अपने पांव पसारने लगा, तभी पूरा जनपद रोशनी से नहा उठा। घर घर विधि विधान पूर्वक लक्ष्मी गणेश पूजे गए और चौखट चौखट दियों की खूबसूरत रोशनी से नहा उठे। देवस्थानों से लगायत जलाशयों तक दीपक रख लोगों ने अंधेरे को जैसे काट दिया। देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणपति दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर स्वयंभूस की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश अमन। लक्ष्मी गणेश के पूजनोपरांत आतिशबाजी का जो क्रम शुरू हुआ उसके प्रकाश व ध्वनि के आगे आसमान भी डोलता नजर आया। नीचे जाएंगे कोविड के बावजूद लोगों ने भारी उत्साह के बीच इस पर्व को मनाया है। पटाखों की आवाज में एनजीटी के आदेश तक दब से गए। लोगों ने संदेशों के जरिए एक दूसरे को बधाइयां दी। ये का त्यौहार है, हम बहुत अच्छे से बना रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे छोड़ा है और बहुत सारी मस्तियां की। बस मिठाइयां खाई दिवाली में, कुछ दिल में जला के नहीं। हाँ, मिठाइयाँ खाई, दिवाली का त्यौहार एंजॉय किया और और बहुत सारी चीज़ें की। पूजा पाठ किया? हाँ किया। हम लोग ने बहुत सारे दिए जलाए, हम लोग ने बहुत जगह खुशियाँ बांटी और गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की और आज पड़ोसियों के खुशियाँ बांटी और मिठाइयाँ बांटी। कैसा लगा दिवाली इस साल आपको? बहुत अच्छा लगा। कोरोना में कोई प्रॉब्लम रही उसका जो कोरोना बीता उसे आप भूल गए कि याद रखें? हम लोग भूल गए सब इस त्यौहार में। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन छोड़े होंगे आप लोग? बहुत सारे। कितना एंजॉय किया? बहुत अच्छा लगा त्यौहार। हाँ, लोगों ने इस बार पटाखा बहुत ही शांति से, छोटे पटाखा लाए थे बच्चों को छोड़ने के लिए, कोई भी बड़े पटाखे ऐसे नहीं लाए थे जो कि जिससे
ध्वनि प्रदूषण हो या बहुत शांति से हम लोगों ने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ अच्छे से पटाखे फोड़े हैं शांति से अपने हॉबी में अपने घर के अंदर। आज दिवाली का पर्व था, हमने सुबह से लेकर अभी तक शांतिपूर्वक आराम से धमाके किए, लेकिन रंगोली बनाई, नए कपड़े पहने, फिर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की, और फिर अभी दिवाली है तो पटाखे तो फोड़ना ही है, तो वो पटाखे फोड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। दिए जलाए, मोमबत्ती जलाए, कितना एंजॉय किया? बहुत किया, अभी भी कर ही रहे हैं। रंगोली बनाई, नए नए कपड़े पहने और पूजा पाठ किया, दिया जलाए, पटाखा जलाए, अभी तक तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा? हम लोग को बहुत अच्छा लगा। साल भर से इंतजार करते हो कि नहीं? साल भर से इंतजार करते हो? हाँ। क्यों इंतजार करते हो? कि हम लोग कब पटाखा फोड़ेंगे। 5 दिवसीय ज्योति पर्व से इन दिनों भारतीय जनमानस प्रकाशित हो रहा है। धनतेरस से चलकर अब यह पर्व गोवर्धन पूजा तक पहुंच चुका है और उसी पूजा का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। नगर स्थित श्री बिहारी जी के मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली के दूसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यहाँ गोवर्धन पूजा को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ब्रजवासियों का यह प्रमुख त्यौहार अन्नकूट, कौ पूजा, बड़ो मनोरथ व मार्गपाली उत्सव के विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई इस पूजा को श्री बिहारी जी मंदिर में परंपरागत रूप से मनाया गया। गोवर्धन पूजा के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कुपित इंद्र ने जब मूसलाधार वर्षा करनी शुरू की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर उसे छाते के रूप में तानकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इंद्र का अहंकार जब 7वें दिन टूटा तब पर्वत को कृष्ण ने नीचे रख ब्रजवासियों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाने को कहा और तभी से यह परंपरा भी चली आ रही है। उसी पूजा के निमित्त यहाँ गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर लोगों ने उसकी विधि विधान पूर्वक पूजा और परिक्रमा की, गाय को प्रसाद खिलाकर उसकी पूजा और प्रदक्षिणा की। तो में अगर देखा जाए तो गोवर्धन पूजा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकृति के प्रति हमारे अनुराग की प्रतीक भी है। पर्वत वन संपदा, गौ पूजा, पर्यावरण आदि की रक्षा का संदेश देने के साथ ही साथ यह पूजा घमंड को त्यागने का भी संदेश दिया करती है। इस पूजा में भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए जाने का प्रावधान है। कहते हैं 56 भोग लगाए जाने का भी एक कारण है, वह यह कि श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत को उठाया था। 1 दिन के 8 प्रहर के भोग के अनुरूप उन्हें 7 × 8 यानी 56 भोग लगाए जाते हैं। इस अवसर पर संत प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि इस पूजा को करने वालों को वर्ष भर अन्न की कमी नहीं होती, उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। बिहारी जी के मंदिर में हर साल की बात, इस वर्ष भी दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पहले गोवर्धन पूजा होती है, शालिग्राम जी आते हैं,
और उनका जो है बाकायदे जो है पूजा अर्चन होती है, चनामृत तैयार होता है, उसके बाद जो है गो पूजा होती है, गो पूजा के बाद जो है छप्पन भोग लगता है, छप्पन भोग के बाद जो है प्रसाद वितरण होता है। और ये हर साल की बात, इस साल विशेष रूप से ये हुई कोविड 19 के कारण मास सोशल डिस्टेंस जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और उस हिसाब से सूखा प्रसाद का वितरण किया गया है, जिससे कि जो है लोगों को जो है सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो सके। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली के कस्बा जीनपुर में कोतवाली के एसआई अमरनाथ यादव द्वारा दीपावली की देर शाम लगभग 9 बजे व्यापारियों को भद्दी भद्दी गालियां देने, दुकानें जबरन बंद कराए जाने और बच्चों को मारने पीटने की घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर रविवार की सुबह व्यापारियों ने व्यापार मंडल के नेतृत्व में ऐलान कर दिया कि समस्त दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखें, जिसका ऐलान लाउड स्पीकर से किया गया। व्यापारियों ने 12 बजे तक दुकानें बंद रखी, इसके बाद भारी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग कोतवाली का घेराव किए। कोतवाली में उप जिलाधिकारी सगड़ी अरविंद कुमार सिंह, सीओ सगड़ी अजय यादव व कोतवाल नंद कुमार तिवारी से व्यापारियों की वार्ता हुई। सहमति बनी कि दरोगा अमरनाथ यादव को जीनपुर बाजार के हलका से अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। व्यापारी दरोगा को जीनपुर से हटाने पर अड़े रहे, जिस पर सीओ सगड़ी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक महोदय 2 दिन की छुट्टी पर हैं, आने पर बात हो जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो व्यापार मंडल के लोग एसपी व डीआईजी से मिलकर दरोगा को हटाने की मुहिम छेड़ेंगे। इस दौरान मनीष चौरसिया, मुन्नूलाल जायसवाल, डब्लू गुप्ता, हरिओम जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, मुकेश जायसवाल, पप्पू पाठक उर्फ दिनेश, संतोष चौरसिया, ज्वाला प्रसाद जायसवाल, दीपक मधेसिया, श्रवण गुप्ता आदि मौजूद रहे। लोगों ने ज्ञापन लेकर के सीओ साहब और एसडीएम साहब कोतवाल साहब के हम लोग गए थे, ये बाजार में वो जो उत्पीड़न हुआ था व्यापारियों का, उस मामले को लेकर हम लोग कोतवाल और एसडीएम के यहाँ गए थे और सीओ साहब के यहाँ। किसके द्वारा उत्पीड़न किसके द्वारा किया जा रहा? अमरनाथ दरोगा साहब के उत्पीड़न को लेकर के हम लोगों ने गए थे वहाँ, और हम लोगों को एसडीएम साहब, कोतवाल साहब, सीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं इनको इस हल्के से चाहे स्थान से हटा दूंगा, आप लोग जाइए अपनी दुकान खोलिए और अपनी दुकान खोलिए। हम लोग वहाँ से अस्वस्थ होकर आए हैं यहाँ। अगर नहीं हटाया गया तो हम फिर अगली कार्रवाई के लिए हम कप्तान के जाएंगे, डीएम के जाएंगे, डीआईजी के जाएंगे, और नहीं वहाँ भी होगा तो हम चक्का जाम करेंगे, हम रोड जाम करेंगे। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चकिया गांव में शिव मंदिर के पास स्थित खेत में रविवार दोपहर 3 बजे नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मुबारकपुर थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए और छानबीन में जुट गए। पुलिस के अनुसार मृत नवजात शिशु लगभग 8 माह का था और किसी ने लोक लाज के भय से उसे इस अवस्था में एकांत खेत में फेंक दिया था। नवजात शिशु का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। सभी जनपदवासियों को, सम्मानित जनपदवासियों को मेरी तरफ से और पूरे प्रशासन की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर खुशियों से बनाएं, दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और आपस में खुशियां बांटें, और कम से कम पॉल्यूशन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पॉल्यूशन हम कम करें, उस पर विशेष ध्यान दें। जो सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है, उसी समय सीमा में अगर आतिशबाजी आप करते हैं तो उसका पालन करें और केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। मेरा तो अनुरोध ये है कि पॉल्यूशन कम से कम करें तो पटाखे कम चलाए जाएं, और दूसरा सुरक्षित रहें और साथ में कोविड 19 का प्रोटोकॉल भी फॉलो करें, जिससे कि हम अभी एक बेहतर स्टेज में हैं जिसमें कि केसेस हमारे पास कम आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पर्व के बाद हम
कोविड 19 के प्रोटोकॉल को भूल जाएं और हमारे कोविड वापस यहाँ पे बढ़ने लग जाए। तो सभी से अनुरोध है कोविड 19 का ध्यान रखें और खुशी जो त्यौहार का हमारा ये त्यौहार खुशी लेके आता है, रोशनी लेके आता है, आपकी ज़िंदगी में सभी में रोशनी हर्षोल्लास उल्लास लेके आए। इस दिवाली के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से तो यही मैसेज रहेगा, इसको स्वस्थ दिवाली बनाएं, खुशहाल दिवाली मनाएं। स्वस्थ दिवाली के लिए पटाखों का प्रयोग कम से कम करें, लोगों में खुशियां बांटें और अपने अंदर के अंधकार को निकालें, ताकि आपका अंदर से जब प्रकाशवान होंगे तो अपने आप लोगों को खुशियां देंगे और दीपावली का सही मतलब सार्थक होगा। ऐसा नहीं कि घर में रोशनी करने से आपकी दिवाली सार्थक होती है या दीपावली का भाव सार्थक होता है। दीपावली का भाव तभी सार्थक होगा जब हम अपने मन के अंधकार को मिटाएं और किसी भी एक आदमी को खुशी प्रदान करें, तो हमारी दीपावली का मतलब सार्थक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पर फिर से हमारी तरफ से सभी जनपद वासियों को हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। वेदांता परिवार की तरफ से पूरे जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने इस पूरे जनपद वासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि हम शुद्ध दीपक जलाएं और चाइना के इस लड़ी का जो है हम बहिष्कार करें। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी प्रकार के पटाखे का यूज न करें, जिससे वातावरण शुद्ध होगा और कोरोना महामारी से जो है निजात मिलेगा। पुनः जो है पूरे जनपद वासियों को दिवाली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप दीपावली का त्यौहार अपने बच्चों के साथ अच्छे से मनाएं और कोशिश करें कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम पटाखों का उपयोग करें और अपने बच्चों को सेफ रख के दीपावली मनाएं। इसके साथ साथ मैं सभी नगरवासियों और जनपदवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले त्यौहार छठ, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजन एवं दीपावली, ये सभी त्यौहार आप लोग मिलजुल कर बनाएं और ये सभी त्यौहारों में आप लोग के यहाँ सुख समृद्धि आए और आप सभी लोग सेफ रहें और इसके साथ साथ जो ये हम लोग कोविड 19 से लड़ रहे हैं, इस महामारी से जल्द उभर कर हम लोग सब लोग एक साथ आगे बढ़ें और ये त्यौहार हम लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ले आए। दीपावली के शुभ अवसर पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से मंडल के, जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को, जनपद निवासियों को, सभी पेरेंट्स को, स्कूल के छात्र छात्राओं को, टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। इस मौसम में जो कोरोना 19 का प्रकोप चल रहा है, जिससे बहुत सी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए और कैसे लोग स्वस्थ रहें उसको देखते हुए हमारे सभी बच्चों से, अभिभावकों से अपील है कि पटाखे जो इस त्यौहार का मुख्य चीज़ है, बच्चे छुड़ाते हैं उसको, अच्छा भी लगता है, तो हमारी सबसे अपील है कि इसका कम यूज़ करें, पटाखे कम छुड़ाएं ताकि प्रदूषण कम फैले, क्योंकि प्रदूषण से हमने सुना है कि कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। रोहदा परिवार की तरफ से सभी जनपद वासी, सभी प्रदेश वासी, प्रबंधकों और बच्चों को दीपावली की और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और साथ साथ जो है ये निवेदन करता हूं कि दीपावली के त्यौहार पर कोविड 19 को देखते हुए प्रदूषण वाले जो है पटाखे का कम इस्तेमाल करें, ताकि जो है आप लोग सुरक्षित रहें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। दीपावली का पावन पवित्र त्यौहार और धनतेरस का पावन पवित्र त्यौहार और डाला छठ का पावन पवित्र त्यौहार सामने आने वाला है। इस त्यौहार, सभी त्यौहारों के शुभ अवसर पर हम अपने प्रदेशवासी और जनपदवासी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी आप सबके घर में वास करें और आप सभी का कल्याण करें। आप सभी जनपदवासियों को धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये सभी त्यौहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। पुनः सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़, डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र सिंह न्यूरोसर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं।
ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।